अंग्रेजी हुक्मरानों का कितना अत्याचार सहा है उसका गवाह है प्रयागराज के चौक में स्थित ये नीम का पेड़। 1857 के शहीदों को यहाँ पर फांसी दी गई थी, उनके साफ तौर पर आप स्मारक पर पढ़ सकते हैं, लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और यहाँ पर उस ज़माने में यानी कि 1857 की क्रांति में 800 से ज़्यादा लोगों को, निर्दोष भारतीयों को अंग्रेज़ों द्वारा सज़ा दी गई थी। लोकतंत्र का उत्सव, चुनाव मनाने का, चुनाव में वोट देने का, मतदान करने का अवसर मिल रहा है, आप मतदान देंगे? जी जरूर देंगे। तो मतदान देना आपका हक है? जी हाँ, मतदान देना मेरा हक है और सभी भारतवासियों को भी है हक। इस नीम के पेड़ के पास जो तख्ता लगा है लकड़ी का, उसको हटा दिया जाए क्योंकि इलाके के लोगों में दहशत फैल गई थी। अभी देखिए पूरी तरह से मार्केट में तब्दील हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके आवाज़ मिल रही है, सबके रोड बन रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। महिलाओं के क्या किया? महिलाओं के सब कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। योगी भी आए, मोदी भी आए, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। खोदे तभी बनाएंगे ना, कैसे थोड़ी बनाएंगे, हाँ पहले तोड़ा जाएगा तभी बनेगा, पुराना है सब। शहर का ये पुराना चौक है जहाँ करीब 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम भारती भवन पुस्तकालय है। इसकी बुनियाद 1889 में रखी गई थी। इस लाइब्रेरी में लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महाकवि अध्ययन करने आया करते थे। मौजूदा वक्त में इस लाइब्रेरी में 62,000 किताबें हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू और अवधी भाषा में है। समय के साथ अब लाइब्रेरी भी आधुनिक हो गई है। ऐतिहासिक पुस्तकालय है, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर मेंबर में से एक रह चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कि हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर करीब 63,000 किताबें हैं। मैम क्या नाम है आपका? अनुपमा मिश्रा। अभी सरकार जो काम कर रही है, लड़कियों के लिए क्या काम किया, महिलाओं के लिए क्या काम किया, कितनी खुश हैं आप? एक्चुअली उन्होंने जो सिक्योरिटी सिस्टम इस समय योगी सरकार ने दिया है इलाहाबाद में, वो बहुत अच्छा है क्योंकि इसके पहले इतना सेफ फील नहीं होता था। ये इसमें काफ़ी सेफ महसूस कर, एंड एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, वो चीज़ें समझाई गई, तो काफ़ी अच्छा है, इसका एक्सपीरियंस है योगी जी के साथ। आप क्या कहेंगे? इंटरनेशनल मुद्दों पर मैं बोलूँगी कि हाँ, इंडिया ने काफ़ी अच्छा डेवलप किया, एज एन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और हम 3rd लार्जेस्ट भी बनने वाले हैं 2030 तक। आप क्या कहना चाहेंगी, सरकार जो काम कर रही है? अच्छा ही कर रही है, पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट हो रही है हमारी सिटी, हमारा कंट्री। तीनों रैंक पे लड़कियों का कब्जा था, लड़कियां बाजी मार रही पढ़ाई में, क्या कहेंगे? हाँ, अपनी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मतलब गर्ल्स को, और अपने सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामकाज पर? सर भाजपा सरकार सही है, बस सर यूथ पे उतना ध्यान नहीं दे रही है सरकार, जैसे वैकेंसीज ला रही है उसमें फिर बहुत टाइम ले रही है और आ भी रहा है। जल्दी जल्दी वैकेंसी आनी चाहिए जी सर, रोजगार होना चाहिए, रोजगार। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा काम सरकार विकास कर रही है, मोदी की गारंटी? अच्छा की अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम पर भी अच्छा काम कर रहे हैं, रोड वोड भी अच्छे बना रहे हैं, बस थोड़ा यूथ पर ध्यान दे, जैसे पेपर ऊपर लीक ना हो, इस पेपर लीक ना हो। आप क्या कहेंगे? पेपर लीक बड़ी समस्या है। प्रयागराज के चौक इलाके में ये मशहूर लाल गली जो आज़ादी की लड़ाई का अहम केंद्र रहा है, यहाँ आज़ादी से पहले कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन भी प्रयागराज में हुआ। ऐतिहासिक लाल गली में मैं मौजूद हूँ, ये चौक इलाका है और यहाँ पर आज़ादी के पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। इसी गली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सभी आया करते थे और आज़ादी के पहले तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो भी प्रयागराज में हुआ था। इसे लाल गली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने वीर गति प्राप्त की थी और बाकायदा अंग्रेज़ों द्वारा आँख में गोली भी मारी गई थी कई स्वतंत्रता सेनानियों को। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रयागराज में गहमा गहमी है तो दूसरी तरफ प्रयागराज देश की आज़ादी की कई कहानियों को अपने आप में समेटे हुए है। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।